नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आज गुजरात के सूरत स्थित सत्र अदालत में अपील दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता खुद अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें कि सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल की जेल और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें संसद सदस्यता के लिए आयोग कर दिया था। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है, जहां आज सुबह बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा है। और एरोगेंस और एंटाइटलमेंट की चरम सीमा देखी। उनके जो बहुत बड़े नेता हैं, राज्यसभा में सांसद है, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रमोद तिवारी जी कहते हैं ये तो गांधी परिवार के लोग हैं, ये राहुल गांधी है। देश का कानून अलग होना चाहिए गांधी परिवार के लिए। क्यों भैया, गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग क्यों होगा? वाई शुड देयर बी अ सेपरेट सीआरपीसी और एन आईपीसी फॉर द गांधी फैमिली? आप किस प्रकार का घमंड, किस चरम तक एरोगेंस जा सकता है? देखिए कि देश का एक नूतन कानून होना चाहिए, एक अलग कानून होना चाहिए। देयर शुड बी अ सेपरेट लॉ जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू अ गांधी फैमिली। इसलिए जो राहुल गांधी के साथ हुआ कोर्ट में वो उचित नहीं है, क्योंकि ये तो गांधी परिवार का है। मतलब आप और हम सेकेंड कैटेगरी के इंडियंस हैं और ये गांधी परिवार के लोग, यही हमारे शहंशाह और शहजादे हैं। ये इस प्रकार की भावना से अब भारतवर्ष निजात पा चुका है, अब भारतवर्ष उसमें नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देने जा रहे हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की पूरी लीगल टीम मजबूती से तर्क रखेगी, तो राहुल गांधी को समर्थन देने के लिए बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी। बता दें 2019 में मोदी सरनेम वाले बयान को लेकर सूरत की कोर्ट ने 23 मार्च को राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि कोर्ट ने जमानत देते हुए सजा को 30 दिनों के लिए स्थगित कर दिया था। यानी 30 दिनों के अंदर राहुल गांधी को ऊपरी कोर्ट में राहत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना ही होगा। इसलिए आज जब राहुल की लीगल कोर्ट टीम में पहुंचेगी तो उनकी पूरी कोशिश सजा पर रोक और जमानत लेने की रहेगी। फिलहाल यह कोर्ट पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी को जमानत मिलती है या फिर उन्हें जेल जाना होगा। दोनों ही स्थितियों के लिए कांग्रेस ने पूरी तैयारी की है। यही वजह है कि कोर्ट में कांग्रेस के स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के नेता मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि राहुल गांधी आपराधिक मानहानि के मामले में 2 साल की सजा सुनाए जाने के फैसले को चुनौती देने जा रहे हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी सत्र न्यायालय में अपील करेंगे। सजा पर रोक के लिए राहुल गांधी की पूरी लीगल टीम मजबूती से तर्क रखेगी। बता दें कि राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी से अश्वनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं सपा से कपिल श्रीवास्तव अपना पक्ष रखेंगे और कांग्रेस से विकास श्रीवास्तव हमसे जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत मैं विकास श्रीवास्तव से करूंगी। विकास जी, इतने समय बाद क्यों अपील की जा रही है? यह पहले भी की जा सकती थी। क्या जानबूझकर आंदोलन सत्याग्रह किए गए, मामले को राजनीतिक बनाया गया, सियासत गरमाई? राहुल गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं और इतने बड़े परिवार से आते हैं, देश की एकता अखंडता के लिए उनके परिवार ने शहादत दी है, वो शहीदों के बेटे हैं। जो भी व्यवहार हुआ ये आश्चर्यजनक था और अकल्पनीय था।
कि विपक्ष की सबसे बड़े नेता के साथ जिस तरीके से मोदी सरकार के इशारे पर तानाशाही तरीके से जो रवैया अपनाया गया उनकी संसद सदस्यता को समाप्त करने का, उस वजह से आज ये प्रश्न उठा है कि आप पूछ रही हो कि उनको तुरंत क्यों नहीं राहत दिया। 30 दिन का समय दिया था कोर्ट ने। हमारे पास भारतीय संविधान को समझने मानने और उस गुजराती में जो फैसला आया था उसको ट्रांसलेट करने का एक अवसर मिलना चाहिए था। नकल निकालने में आम व्यक्ति अगर अदालत में अप्लाई करता है तो उसको 1 से 5 दिन 4 दिन लग जाता है, और तत्काल फैसला आने के बाद दूसरे ही दिन जिस तरीके से उनकी सदस्यता समाप्त किया गया उसको लेकर मोदी सरकार का इंटेलिजेंस फेलियर था। उन्होंने जानबूझ के ऐसी परिस्थितियां पैदा करी कि जनभावना को उन्होंने ठेस पहुंचाया, कांग्रेस कार्य समेत देश के जनमानस के स्वाभिमान पर सम्मान पर जो गांधी परिवार के प्रति जो आस्था निष्ठा थी उस पर सीधा कुठाराघात किया गया, उसकी प्रतिपूर्ति प्रतिफल के रूप में जो आपने देखा जो एपिसोड चल रहा है संसद में जिस तरीके से माइक बंद किया गया, विश्व के सबसे बड़े कारपोरेट घोटाले को आदरणीय राहुल गांधी जी ने उजागर किया, और उजागर करने के बाद वो मुकदमा जो प्राविधान 202 के तहत चैलेंज करने योग्य है, वो मुकदमा जिसको अति पिछड़े का जो आरोप लगाया गया, जो जातीय आरोप लगाया गया, जो मानहानि का मामला बनता है उस पर भी प्रश्न है, और अदालत में सत्र न्यायालय में जाने का हमको अधिकार था क्योंकि 202 का जो प्राविधान है उसमें कर्नाटक की है और FIR गुजरात में दर्ज है। जब किसी अन्य स्टेट में दर्ज होता है तो 202 के प्राविधान के तहत मजिस्ट्रेटियल जांच या पुलिस जांच होनी चाहिए थी, इसके बाद कार्रवाई प्रोसीडिंग आगे होनी थी, पर उसमें हमारे पास जो हमें विधिक राय मिली है जिसमें हम सारी बातें सत्र न्यायालय में रखते, उसके पहले ही मामला क्वेश होने लायक है क्योंकि वो मामला ही नहीं बनता है। तो इसलिए राहुल गांधी माफी क्यों मांगे और अदालतों के चक्कर तुरंत लगाना क्यों शुरू करें, हमको अपने वकील से सलाह लेने का भी तो अवसर मिलना चाहिए था। ये भारतीय संविधान की जो मूल भावना है अपनी बुलडोजर नीति और अहंकार से उन्होंने इस भावनाओं को कुंद करने का काम किया है। मोदी सरकार और उनकी पुराज्यवर्ती सरकार लगातार भारत संविधान की जो संविधान की जो ताकत है उसको छीन करने का षड्यंत्र रच रही है, भारत के बाबा साहब के द्वारा दिए गए हमारे अधिकारों को छीनने का, दलित विरोधी सोच जो है भारतीय जनता पार्टी की वो सारी कुछ दिखाई पड़ रही है, क्योंकि संविधान निर्माता बाबा साहब ने जो हमें ताकत दिया है, जो हमको धैर्य रखते हुए भारत के संविधान का जो सम्मान करना चाहिए था उस सम्मान को भी राजनीतिकरण किया जा रहा है, और लगातार कुतर्क कर गांधी परिवार पर माननीय राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा की सफलता में जो उनकी ईर्ष्या दिख रही है, जो उनकी हार दिख रही है, और जो असल मुद्दे उन्होंने उठा दिए अडानी के साथ जो उनकी साठगांठ और उनकी नीति और नियत पर जो लगातार प्रश्न खड़ा किया गया उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। RSS BJP के लोग लगातार षड्यंत्र करके इस राहुल गांधी के त्याग तप तपस्या और उनके परिवार की जो शहादत है उसको अपमानित कर रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी का ही अपमान नहीं है, ये भारत के संविधान और देशवासियों का अपमान है। जी ठीक है, अश्वनी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी जी, कांग्रेस आप पर हमेशा से आरोप लगाती रही है, अभी भी तमाम आरोप आपने सुना, बीजेपी का तानाशाही रवैया है, सदस्यता रद्द करने का भी जिम्मेदार ठहराया गया, पहले अपील करने से मना की गई, अब अपील कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मयूरी जी देखिए, हमारे कांग्रेस के मित्र जो बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी की बात है, संवैधानिक अधिकार है राहुल गांधी जी को ही नहीं पूरे देश के सभी लोगों को कि कोई कोर्ट अगर फैसला देती है उसके फैसले के खिलाफ हम संतुष्ट नहीं है उससे, तो ऊपरी अदालतों का एक संवैधानिक व्यवस्था बनी हुई है, वो निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था है, तो उसमें जाना चाहिए था, हमने कभी मना नहीं किया। हम लोग तो एक अपना वो जाहिर कर रहे थे कि क्यों, क्या कांग्रेस के अंदरूनी सर्जिकल स्ट्राइक के शिकार तो नहीं हो गए राहुल जी, क्योंकि अभी तक अपील नहीं कर रहे थे और ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। हम लोग प्रश्न उठा इस बात पर रहे हैं, आज देखिए इतने दिन बाद जा रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, गए देर आए दुरुस्त है, पवन खेड़ा जी 2 घंटे में जो है उनको रिलीफ मिल जाती है, चिदंबरम साहब, अश्विनी कुमार जी, उसके बाद जो है कपिल सिब्बल साहब, संघवी साहब, इतने बड़े बड़े वकील हैं। एक घटना में मयूरी जी आपको बताना चाहूंगा, प्रियंका वाड्रा जी की शादी हुई थी
अचानक एक युवक प्रकट होता है और ये कहता है कि कोर्ट में जाकर कि हम जो है इनकी शादी हमसे हुई थी, तो एक के पराशर नाम के जो वकील बड़े बाद में उनको कांग्रेस ने बड़ा महिमा मंडन किया, ये पराशर साहब निचली अदालत में चले गए वो मुकदमा छोटा सा लड़ने के लिए। तो आज राहुल गांधी जी इतने बड़े व्यक्तित्व तो हैं जिनके लिए अभी देखिए हमारे संबित पात्रा जी ने कहा ही कि प्रमोद तिवारी चाहते हैं कि अलग से उनके लिए संविधान बने, अलग संविधान बने उनके लिए, क्योंकि वो गांधी परिवार के हैं। तो ऐसे लोग जो है जाते हैं, तो आज जो है हमारा विरोध इस पर था और सवाल था कि भाई जिस दिन ये पिछली बार सजा सुनाई गई कितने नेता गए इनके साथ, कितने लोग गए इनके साथ, आज ये तीन मुख्यमंत्री को लेकर क्या न्यायालय को डराने जा रहे हैं, क्या वहां पर न्यायालय पर दबाव डालने जा रहे हैं? तीन मुख्यमंत्री जा रहे हैं, महासचिव जा रही है, इतने लोग जा रहे हैं वहां, भाई क्यों? एक सजा याफ्ता मुजरिम का इतना सम्मान, जो व्यक्ति कोर्ट से सजा पा चुका है वो इस भारत के संविधान के शपथ लेने वाले तीन तीन मुख्यमंत्री उसके साथ जाएंगे, एक मुजरिम के साथ कोर्ट में जाएंगे उसके साथ? बताइए कहां देश जा रहा है, कांग्रेस क्या चाहती है? संविधान का माखौल उड़ाना, लोकतंत्र की हत्या करना ये लोग कर रहे हैं। विकास जी से मैं इसका जवाब लूंगी, हमारे साथ कपीश जी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास चलूंगी। कपीश जी, राहुल गांधी अपील करने जा रहे हैं, इतने बड़े राजनीतिक नाम इतनी देर से अपील, क्या सियासी प्रोपेगेंडा बनाया गया, क्या राज है? एक महीने का उन्होंने अपील का टाइम दिया, अपील के लिए जो एक महीना दिया गया उसके अंदर ही अपील हो रही है, तो जो उन्होंने समय दिया था उसके अंदर चीजें हो रही है, तो इसको विधिता सही माना जाए। दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं कि जिस दिन आदेश आया उस दिन शाम को सत्य प्रतिलिपि नहीं मिल सकती है किसी भी केस में, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं इसलिए कह रहा हूं, 170 पेज का एक निर्णय हो और उस निर्णय को जो है वो गुजराती से हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करना हो तो समय लगता है। कोई भी आदमी जब जाता है अपील के अंदर तो सारे केसेस की रीडिंग करता है, उसके बाद उसके सिलेबस तैयार करता है, किन तथ्यों के आधार पर हमको अपील करनी है बनाता है, क्योंकि ये क्रिमिनल केस है, इसमें कोई संशोधन नहीं होता है। एक बार आपने जो अपील का आधार बनाया उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, तो ये हैब्जर्ड माइंड से नहीं होता है, और ये विधि को जानने वाला ही कोई चीज कह सकता है। तो जब अपील समय पर हो रही है तो ये कांग्रेस का राइट था, वो अपनी जगह पर एकदम सही है, लेकिन फौरी तरीके पे इतना जल्दी क्या जल्दीबाजी इनको मची हुई थी कि आपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आपने एक महीने का इंतजार क्यों नहीं? और जिसको जिन व्यक्तित्व को ये बहुत आराम से आज बैठ करके कह रहे हैं मुलजिम के साथ जा रहे हैं तो दोषी के साथ जा रहे हैं, दुनिया जानती कि कौन कितना मुलजिम है कौन कितना दोषी है। जेल यात्राएं आपके यहाँ के भी माननीय मंत्रीगण कर चुके हैं, कई सांसद ऐसे हैं जिन पर हीनियस का क्राइम का आरोप है और विचारण चल रहा है, आप क्यों उनके साथ खड़े हो? अरे आप तो दोष सिद्ध की लोगों के साथ जा करके आपके एक सांसद कहते हैं कि हुजूर आपकी वजह से मैं जीत गया, और जो आपके पूर्व राज्य मंत्री हैं वो बहन बेटियों से तेल मालिश कराते हैं। अपील करना ठीक है, लेकिन इससे पहले जो सियासी प्रोपेगेंडा बनाना ये कहां तक सही था, आंदोलन करना? ये बिल्कुल ठीक है, मैं एक बात ये कह रहा हूं, पहले कहा गया कि हम अपील नहीं करेंगे, फिर इतने दिन बाद अपील करना। देखिए ये कहना कि अपील नहीं करेंगे हम पब्लिक डोमेन में हमने तो नहीं सुनी, आप कह रही होंगी लेकिन हमने नहीं सुनी, हमने अगर अपील करने के लिए सुन तो लें, सीजीआई के एक कंक्लेव को देख लें कि चीफ जुडिशियल जो हमारे मुख्य न्यायमूर्ति हैं उन्होंने क्या कहा कि मीडिया ट्रायल बंद कर देना। हम आज कह दें कि हमें अपील नहीं करनी तो हो गया अपील नहीं करनी, एक महीने का जब समय गुजर जाए हम ना करें तब ये बात हुई कि हमने अपील नहीं। और मैं दूसरी बात आपको ये बार बार कह रहा हूं कि अभी उत्तर प्रदेश में इन्हीं के विधायक थे और उन विधायक साहब को 2 साल की सजा हुई, 18-20 दिन तक इन्होंने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। जब हम लोग आंदोलन किए उत्तर प्रदेश में, लिखित चिट्ठी पत्री भेजना शुरू किए, तब जाकर के उनको निष्कासन की कार्रवाई दी। तो कानून दो तरह से तो नहीं चल सकता है ना, और 6 घंटे के अंदर रात में कौन सी न्यायालय खुली रहती है कि आप जो है
वो बकायदा नकल ले लेंगे, अगले दिन आप अपील दाखिल कर देंगे। ये तो हो नहीं सकता था। आनंद फानंद में आके भारतीय जनता पार्टी को अपने विपक्ष के एक बड़े नेतृत्व के साथ इस तरह से करना पड़ रहा है। आज तानाशाही देश के अंदर चल रही है। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भी विपक्ष में बैठते थे और उन्होंने एक बात कही भी थी कि जब सत्ता पक्ष के अंदर विपक्षियों को गद्दार मानने का भाव, भ्रष्टाचारी मानने का भाव आ जाए तो ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र नहीं बल्कि तानाशाही चल रही है। और वो आज आपको स्पष्ट रूप से होते दिखाई दे रहा है। शाही जी, आप राहुल गांधी को जो शहादत की फैमिली के मेंबर हैं, जिन्होंने जीवन में कभी कुछ ऐसा नहीं किया, और जो जिस चीज को आप मानहानि की बात कह रहे हैं, आप उड़ जाएगा ये केस आपका। क्योंकि मैं खुद एक व्यक्तिगत एक लॉयर हूं और क्रिमिनल ट्रायल भी देखता हूं। ये कोई FIR से दर्ज मामला नहीं है, ना NCR से दर्ज मामला है। ये एक कंप्लेंट केस है और सामूहिक रूप से कंप्लेंट नहीं हो सकती। जो 499 का अपवाद है उसमें भी व्यक्ति के परिभाषा में कंपनी और संगम को दिया गया, व्यक्तियों के समूह को दिया गया है, लेकिन जाति व्यक्ति नहीं होती है। क्योंकि आर्टिकल 12 जो संविधान का है वो इस बात को कहता है कि कोई व्यक्ति का मतलब व्यक्ति होता है, व्यक्ति के अलावा संगम होता है, संगम के अलावा अन्य चीजें होती है, लेकिन जाति व्यक्ति में नहीं आती। और आपने जिस तरीके से न्यायालय के निर्णयों को लेने की कोशिश की है, ट्रांसफर कराया है, पोस्टिंग कराया है, ये भी CJI ने कई बार इस चीज को इंगित किया है। कपीर जी नहीं सुनेंगे, कपीर जी सुनने के लिए थोड़े बैठे हैं। कपीश जी तो राहुल गांधी के वकील हैं तो ये गए नहीं पता नहीं क्यों, और न्यायालय पर कह रहे क्यों नहीं हम आंदोलन करेंगे, किसके खिलाफ कर रहे भाई? न्यायालय के सजा के खिलाफ आंदोलन, यानी कि न्यायालय का अपमान कर रहे हैं कि जो सत्य होगा उसको कहना। कपीश जी प्रैक्टिसिंग लायर हैं और कह रहे हैं, यही इनको संविधान में ये सिखाया गया है कि आप अधिवक्ता होते हुए आप किसी भी उसका करें जो न्यायालय के द्वारा सजा दी गई हो, चाहे वो धारा उड़ जाए, चाहे धारा कुछ अपील हो सकती जाए। है ये ऊपर के न्यायालय का, न्यायाधीश का और जिला का बहस का मामला है, निर्णय का खंडन नहीं है, उस पर बोलने वाले नहीं है। मगर इस पे तो सजा मिली हुई है अब कपीश जी चिल्लाएंगे, इनको चिल्लाने के अलावा समाजवादियों को कपीश जी सुन लीजिए अश्वनी जी, कपीश जी, अरे भाई इतने बड़े ज्ञानी मत बनिए कपीश जी, इतने बड़े वो ज्ञान जो है, जब उनको आप चले गए होते बचा दिए होते, इतने बड़े आप वकील हैं, देश के प्रख्यात वकील हैं, तो यहाँ पर बैठ कर टीवी पर बहस मत करिए, जाइए बचाइए। अरे राहुल गांधी रखेंगे तो क्यों नहीं जाएंगे? वो अकालतनामा सिग्नेचर करें, मैं बिल्कुल जाके पैरवी करूंगा। अरे तो लेकिन जो सही बात है दूसरे की बात भी सुनिए, निष्पक्षता से बात कर रहे, दूसरे की बात सुनिए, कांग्रेस के व्यक्ति नहीं है, दूसरे की बात सुनिए, सलाह देने के लिए नाखून कटा के शहीद हो रहे हैं आपके समाजवादी पार्टी के, कांग्रेस के होते तो मैं आपकी बात करता, मैं उनका रुख करूंगी। विकास जी, अश्वनी जी का कहना था कि क्या आप तीन तीन मुख्यमंत्रियों को लेकर क्या न्यायालय को डराने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, उनका सवाल था, जवाब दे दीजिए। देखिए, सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में तत्कालीन गुजरात सरकार के गृह मंत्री अमित शाह साहब को तड़ी पार की सजा मिली थी और उनके पास संवैधानिक ताकत थी, अधिकार था, उसी बाबा साहब के संविधान के सामने नतमस्तक हुए और उन्होंने संवैधानिक लड़ाई लड़ी और आज भारत सरकार के गृह मंत्री हैं। तो इसलिए किसी को सजा मिल जाना, और राहुल गांधी को तड़ी पार नहीं किया गया है जी। संसद के और भारतीय जो मूल्य है, जो लोकतंत्र है, जो राहुल गांधी ने वैश्विक स्तर पर बताया था कि जिस तरीके से संविधान और लोकतंत्र की हत्या करने का कुत्सित प्रयास वर्तमान सरकार कर रही है, वो आज स्पष्ट हो गया, पूरी दुनिया के प्रमुख समाचार पत्रों के हेडलाइन रही कि राहुल गांधी के ऐसा के ऊपर जो कार्रवाई की गई है, ये भारतीय लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा कुटाराघात किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग बोल रहे हैं जो सूप बोले, वहां के मुख्यमंत्रियों ने अपने ऊपर वो जघन्य अपराध मुकदमे वापस लिए हैं जो अतीक अहमद मुख्तार अंसारी पर लगे हुए हैं, और लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं ऐसे आपराधिक मामलों को वापस लेने के बाद। अपराध का जो आज मुकदमा होता है उसका सारी फेरिस्त चुनाव आयोग में नॉमिनेशन के समय होती है,
केवल अकेले अकेले उत्तर प्रदेश में 150 से ज्यादा जघन्य अपराध के मामले चल रहे हैं, वो लोग आज विधायक है भारतीय जनता पार्टी से। तो सजा याफ्ता लोग कौन लोग हैं? क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी किया, इस देश से क्या तिरंगे को 50 साल तक नहीं सम्मान किया, और वो सावरकर जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी और आप पेंशन ले रहा था आजीवन, उसके ये वंशज हैं। तो ये राहुल गांधी का जवाब नहीं दिया जो मैंने आपसे पूछा, जो अश्वनी जी ने कहा कि आप तीन मुख्यमंत्रियों को लेकर क्या न्यायालय को डराने जा रहे हैं, आपने इसका जवाब नहीं दिया। तीन मुख्यमंत्री को लेकर नहीं जा रहे हैं, गुजरात में हमारी सरकार नहीं है, पर विचारधारा गांधी का गुजरात है, गोडसे का गुजरात नहीं है, अडानी का गुजरात नहीं है, नफरत विघटन बंटवारे की सोच का गुजरात नहीं है, पूरा गुजराती राहुल गांधी के साथ खड़ा है। तीन मुख्यमंत्री तो व्यक्तित्व है, तीन हमारे महान शख्सियत है जिनके से आप थरथरा रहे हैं, भाजपा के लोग थरथरा रहे हैं, आरएसएस के लोग कांप रहे हैं, जिनसे राहुल गांधी की आंखें उठती है तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी चूले हिल जाती है। जब वो मुंह आंख उठाकर जब देखता है संसद में, और जब नियत पे और नीति पे जो सवाल है, जिसको पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुंद किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को घुघरू बजाया जा रहा है, तो ऐसे में माननीय राहुल गांधी की आवाज की खनक के आगे भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे लोगों के पसीने छूटते हैं। तो आज आपकी जैसे तमाम सारे छोटे मोटे लोगों की, तमाम सारी गोदी मीडिया की, तमाम सारे आरएसएस और बीजेपी के अंधभक्तों के पसीने छूटना लाजिम है, क्योंकि अब तो न्याय होगा, चाहे सड़क पर हो, चाहे वो संसद में हो, चाहे भारतीय संविधान की मूल धारा के अंदर रहते हुए, भारतीय संविधान के दायरे में रहते हुए, अदालतों में हो, अब तो न्याय का समय आ चुका है। तो थरथरा क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? मोदी को बचाने के लिए आप अपने प्रधानमंत्री को क्यों आगे कर रहे हो? वो कौन से चोर लोग थे जिन्होंने मोदी सरनेम इस्तेमाल किया था? उनका नाम अगर राहुल गांधी ने पूछा तो उसको बताने के लिए आप राहुल गांधी की आवाज दबा दोगे? ये राहुल गांधी की आवाज नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की जनभावना है, इसको आप दबा नहीं सकते हो। कोई चैनल कोई मीडिया ट्रायल नहीं तय करेगा। अब राहुल गांधी इनको शांत कराइए जरा, बड़ा लंबा भाषण दे रहे हैं। और ये देखिए अभी हमारे जी हमारे काबिल मित्र ये भूल गए हैं, और भूल गए हैं लोग क्या, ये लोग बेशर्मी की हद तक नीचे गिरे हुए हैं। माननीय गृह मंत्री जी के ऊपर जो मुकदमा चला था उनको भारत के संविधान पे भरोसा था। बीच में बोलेंगे माननीय मयूरी जी, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय गृह मंत्री जी पर विकास जी आपने अपनी पूरी बात कही, आपको पूरा पूरा समय मिला। अश्वनी जी की बात सुन ले, संविधान गंगा जल है, आप गंगा माँ का अपमान कर रहे हैं। ठीक है, संविधान की जो जो शक्ति है, जो अध्यात्म है, मैं आपके पास फिर आऊंगी। अपमान कर रहे हो आप लोग, राम के आदर्श पर नहीं चल रहे हो। देखिए आपके अंदर रावण का अहंकार दिखाई पड़ रहा है, रहेंगे सत्ता का दम दिखाई पड़ रहा है। तीनों लोग का स्वामी बना था रावण, पर उसको अयोध्या के श्री राम ने लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों को मानने के लिए मजबूर किया। भारतीय जनमानस के इस वोट की ताकत को आपने नाजायज उपयोग किया है। आपको जो अहंकार है कि सत्ता आपके हाथ से कभी नहीं जाएगी, आपको निश्चित तौर पर इसे 140 ऐसा इतिहास चलता था, उस अहंकार को मिटाने वाले का नाम होगा माननीय राहुल गांधी। मयूरी जी आप जो है विकास जी ऐसा ना करें कि आपकी आवाज ही डाउन करवानी पड़ जाए। विकास जी ऐसा ना करें कि आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ जाए। सुन लीजिए अश्वनी जी, जवाब दीजिए, दबा दो। देश की तमाम सारी संस्थाने हैं जो दबाए जा रही हैं। ये भाषण दे रहा है, मतलब ये तो लग रहा है कि कहीं विकास जी आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। विकास जी आपकी आवाज, विकास जी आपको पूरा समय मिला, विकास जी आपको पूरा समय मिला अपनी बात रखने के लिए, नहीं दबा पाएगा। विकास जी आपको पूरा समय मिला अपनी बात रखने के लिए, अब अश्वनी जी को भी सुन लीजिए, फिर आपके पास आऊंगी मैं। धन्यवाद, आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए गए अश्वनी जी, ये ऐसे लोगों को आप लोग क्यों समय देते हैं? चलिए कोई बात नहीं, आपका मुद्दा है, मैं ये कह रहा हूँ हमारे काबिल दोस्त को ये नहीं पता था कि माननीय गृह मंत्री जी का मुकदमा गुजरात से मुंबई ट्रांसफर हुआ था। विकास जी मैं आपके पास आऊंगी, आप अश्वनी जी की बात सुन लें, चर्चा हो रही है तो बात दोनों तरफ से सुनना जरूरी है ना विकास जी। कुतर्क नहीं सुना जाएगा।
आपको पूरा समय मिला अपनी बात रखने के लिए, आप सुन लीजिए। आप अपने जनता, अरे भाई नहीं सुनेंगे, ये सजा याफ्ता मुजरिम के पार्टी के हैं, क्या करेंगे सजा याफ्ता। विकास जी आपने अपनी पूरी बात रखी, सजा याफ्ता मुजरिम की आवाज में डाउन करवा रही हैं, बार बार भारत के संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, भारतीय संविधान को जिसको बाबा साहब जैसे महान, देखिए भाई जिसको हमें, अब इसको सही करा लीजिए मयूरी जी, फिर मैं बोलू, नहीं तो कोई बोलने से कोई मतलब नहीं है। विकास जी मैं आपकी आवाज डाउन करवा रही हूं, संविधान विरोधी आपको करवाना चाहिए। आप 5 मिनट से उनको ये समय दे रही हैं बकवास करने के लिए, किसी की बात नहीं सुनने दे रहे मयूरी जी, ये तो आप लोगों की कमजोरी है। अश्वनी जी अपनी बात रखें, देखिए हमारे काबिल दोस्त जो इतना भाषण दे रहे थे, एक सजा याफ्ता मुजरिम के पार्टी का पक्ष रख रहे थे, मैं बताना चाहूंगा माननीय गृह मंत्री जी को जो केस चल रहा था एनकाउंटर केस का, जो हत्या हो गई थी एक वहां, उस पर उनका मुकदमा ट्रांसफर किया गया मुंबई, और वहां पर जो उनको अदालत ने जब अपनी जो है सुनाया, उनको क्या के फैसला सुनाया, उसमें लिखा हुआ है कि ये मुकदमा राजनीति से प्रेरित था और स्पष्ट रूप से उनको बरी किया गया। लेकिन ये जो सजा याफ्ता मुजरिम 7 मामले में जो है जमानत पर छूटे हुए, नेशनल हेराल्ड के घोटाले में जमानत पर छूटे हुए, 2% वोट उत्तर प्रदेश में जिसका है उसके पार्टी के प्रवक्ता, ये अनपढ़ लोग ऐसे ही बोलेंगे, इनको लग रहा मंच है भाषण दे रहे हैं, तथ्य की जानकारी होगी नहीं इनको, तो ये चिल्लाना इनको करने दीजिए। आज वो देश को पता चल गया कि 3 मुख्यमंत्री महासचिव और इतने लोगों को लेकर गए हैं, वो क्यों दबाव बना रहे हैं, क्यों विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। आज एक सजा याफ्ता मुजरिम के साथ मुख्यमंत्री जाकर उनको वहां पर न्याय दिलवाएगा, क्यों नहीं उस दिन, मैं फिर दोहरा रहा हूं अपनी बात को मयूरी जी, क्यों नहीं उस दिन आप पता करिए और कि इनसे पूछिए कितने लोग गए थे उस दिन जिस दिन इनको सजा सुनाई गई। ये एक ड्रामा है, कांग्रेस खत्म हो रही है देश से और कांग्रेस के युवराज। और एक आपको बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूं मयूरी जी, ये सर्जिकल स्ट्राइक के शिकार मैंने क्यों कहा है, प्रियंका वाड्रा जी के पुत्र का नाम है रेहान वाड्रा, उनका नाम जानती है क्या कर दिया गया है, रेहान राजीव गांधी वाड्रा, उनके में भी गांधी घुस गया है। अब राहुल गांधी जी अपने आप को सोचे समझे कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक हो रही है, भविष्य में क्या होने वाला है, कांग्रेस के लोग ही उनके दुश्मन है। विकास जी थर 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 कांप रहे हैं, प्रधानमंत्री से लेके एक एक कार्यकर्ता कांप रहा है, एक एक कार्यकर्ता जितना थर 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 कांप रहा है, बता दो कि जेपीसी बना दो और स्पष्ट हो जाए, इतना क्यों डर रहे हैं मोदी जी और क्यों डर रहा है भाजपा का एक एक वर्कर, आरएसएस का अंधभक्त, क्यों इतना कांप रहा है, जेपीसी ही तो मांग कर रहे हैं राहुल गांधी, राहुल गांधी को जेल भेज दो पर तुम जेपीसी तो चालू कर दो, अब तो राहुल गांधी संसद में नहीं है, क्यों इतना थरथर थरथर कांप रहे हो, राहुल गांधी को छोड़ो तुम अपना जेपीसी लागू करो, तुम्हारे ऊपर जो कलंक लगा है विश्व का सबसे बड़ा कारपोरेट घोटाले का उसको मिटाओ। अश्वनी जी बता दीजिए क्यों थरथर कांप रहे हैं, जेपीसी की मांग को लेकर उन्होंने पूछा है। थरथर इसलिए कांप रहे हैं कि इनके जैसे प्रवक्ता हैं जो कि बिना तथ्यों के बात रख रहे हैं, बस इनको लोगों को तो ऐसे लोगों को जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन मैं आपको, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब देता हूं कि जेपीसी हम किसकी मांग पर कर दें, हिंडनबर्ग कौन है, भारत के संविधान में हमको भरोसा है, सुप्रीम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सप्रे के निर्देशन में अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है, सेबी को निर्देशित किया, जांच चल रही है, हम क्यों हिंडनबर्ग करें। और ये लोग कपीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कपीश जी जनता की अदालत है, जनता की अदालत में सवाल नहीं आप पूछ करेंगे, उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। कपीश जी को सुन लीजिए, कपीश जी अपनी बात रखें। हाँ जी सुन, देखिए अदानी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई कमेटी नहीं बनाई, अडानी के भ्रष्टाचार पे नहीं बनाई है, उन्होंने रेगुलराइज अथॉरिटीज पर बनाई है, वो दूसरी चीज है, और भारतीय जनता पार्टी उसकी आड़ ले रही। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि भाई राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, झपाट बोल रहे हैं, विपक्ष गलत आरोप लगा रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट गलत है, विश्व में जो आसमान पे दूसरे नंबर पे था सड़क के 32वें नंबर पे आ गया, और 10 लाख करोड़ का देश को चपत लगी है, देश की जीडीपी 26 लाख करोड़ है और 10 लाख करोड़ की चपत लगी है, यानी लगभग आधी जीडीपी अदानी साहब खा गए मित्र जी, और ये मित्रता में चली गई चीजें। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि अगर इस पर एक
संयुक्त पार्लियामेंट्री कमेटी बन जाएगी तो इसमें क्या दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत कुछ हो तो मुझे बताइए। जवाब ले लेते हैं अश्वनी जी, वक्त की थोड़ी कमी है, छोटा सा जवाब दे दीजिए। आपने झूठ बोला है, एकदम बता रहा हूँ। हमारे मित्र यहाँ जानकारी नहीं है शायद जी, तो कह दीजिए कि हमें जानकारी नहीं है कि कहीं भी अडानी की कंपनी ने निवेशकों के पैसे का कोई दुरुपयोग तो नहीं किया उनके इन्वेस्टमेंट का, और सेबी की धारा 19 का कहीं उल्लंघन तो अडानी ने नहीं किया है। इस पर स्पष्ट रूप से जो है उन्होंने सेबी को निर्देशित किया, उसके बाद भी हमारे काबिल मित्र कभी जी नहीं समझ रहे हैं। और जेपीसी की जो की खुद जो है जिस चीज के लिए गया मामले की जानकारी रखें कि आखिर इस पर निगरानी हमारी अन्य चीजें कैसे करती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट जानने के लिए कमेटी का गठन की है। इसलिए दूसरी बातें मत कहिए। सेबी को भी इतना भ्रष्टाचार पता करिए कि समिति का गठन हो गया है तो एक अडानी की कंपनी नहीं कर रही है और उनकी कंपनियों को निगरानी में रखा गया था। बहुत सी चीजें हो रही है, भ्रष्टाचारी नहीं है से कुछ नहीं होने वाला है। कमेटी में तो आप ही लोग होंगे, सबूत ले आइए, तथ्य ले आइए। कोई ना सबूत है न तथ्य है, सरकार है, विपक्ष टीवी पर बैठ के ये चिल्लाते हैं और इनके नेता जो है सबूत लाइए, और कोई ना सबूत है न तथ्य है। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ आज गुजरात के सूरत स्थित सत्र अदालत में अपील दाखिल करेंगे। राहुल गांधी के वकील ने यह जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता खुद अदालत में मौजूद रहेंगे। बता दें कि सूरत में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट HH वर्मा की अदालत ने मोदी सरनेम को लेकर राहुल की ओर से की गई एक टिप्पणी के संबंध में दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे में उन्हें 23 मार्च को दोषी करार देते हुए 2 साल के जेल और 15,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई थी। कोर्ट द्वारा 2 साल की सजा सुनाए जाने के बाद लोकसभा सचिवालय ने उन्हें संसद सदस्यता के लिए आयोग कर दिया था। वहीं बीजेपी इस मामले को लेकर लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमलावर है, जहां आज बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का निशाना साधा। अभी के लिए खबर दोपहर में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।